नमस्कार किशन भाई, आज मेरा देख सकते हो मेरा साइड में मेरा रेड डायमंड अमरुद का मदर प्लांट के बाग में आया हूँ। आज बात करेंगे रेड डायमंड अमरुद के बारे में। मेरे पास देख सकते हो डायरेक्ट मदर प्लांट से प्लांट ग्राफ्टेड हो रहा है। आज सिर्फ आप मदर प्लांट का वीडियो नहीं दिखाएंगे, एक फल काट के भी दिखाएंगे उसका अंदर कैसा है। देख सकते हो मदर प्लांट से प्लांट तैयार हो रहा है। चलिए एक फल आपको काट के आपको सामने देखा था, वो उसका अंदर कैसे होता है उसके बाद आपको साथ बात करते हैं। ये देख सकते हो मेरा मदर प्लांट में आपको एक फल आपको दिखाने के लिए रखा हुआ। आप देख सकते हो फल का क्वालिटी कंडीशन देख सकते हो। एक छोटा डाली में फल पकड़ लिया, इसका ऊपर देखिए, इसका ऊपर फ्लावर भी आ गया, ये पूरा ऑल टाइम रहता है। और फल का क्वालिटी देख सकते हो, आपको सामने ही तोड़ रहा हूँ। ये देखिए आपको सामने काट के देखा रहा हूँ इसका अंदर कैसा है। ये देखिए इसका आवाज देख के आप समझ सकते हैं, इसका अंदर पूरा क्रांसी क्रांसी भाव है। ये देखिए अभी मैच्योर नहीं हुआ, फिर भी देख सकते कितना कलर आ गया। पूरा मैच्योर हो जाएगा तो पूरा अंदर पूरा रेड कलर आ जाएगा। अच्छा, ये गुनचुन के दो चार सीट है, इससे ज्यादा नहीं। इस साइड में देखिए एक भी नहीं है। और रेड डायमंड ये इसका सबसे बड़ी खास बात रहता है, इसका सीड ना के बराबर होता है, दो चार सीड रहते हैं। इसका अंदर देख सकते हैं तरबूज जैसा है। इसका अंदर आपको जूम करके देखा रहा हूँ, इसका अंदर पूरा तरबूज जैसा है। और इसका बाड़ी साइड में देख सकते हो, और इसका अंदर ये पूरा एकदम तरबूज और अमरुद का मिक्स वेराइटी है। आपको तरबूज जैसा स्वाद रहेगा ना, ऐसे स्वाद आपको अंदर मिलेगा और बाहर में आपको गुआवा का स्वाद मिलेगा। ये बहुत अच्छा वैरायटी है। आप फिर भी आपको सामने एक थोड़ा खा के दे कर रहा हो, देखता हूँ कैसे है। स्वाद आपको बोल के नहीं समझ सकता हूँ, आज ये खा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका स्वाद कैसा है। ये बहुत ही अच्छा वैरायटी है। जितना भी अमरुद है ना, उसके सबसे बढ़िया स्वाद इसका है। ये आप कमर्शियली फार्मिंग कर सकते हो, इसका डिमांड अच्छा खासा रहता है। इसका जो टेस्ट, इसका टेस्ट की वजह से इसका प्राइस, जितना भी अमरुद होता है सबसे इसका प्राइस सबसे ज़्यादा रहता है। ये देख सकते हो मैं ये डायरेक्ट ये जो देसी बाद वाला है। और इसका ऊपर में देखिए वी ग्राफ्टेड करके आपको रेड डायमंड का पौधा तैयार किया हो। इसमें देख सकते हो तीन आपको फल लग गया, अभी फूल से तीन फल आप कन्वर्ट हो गया, फल में अभी पूरा रेडी हो गया फल। इसमें आपको फल ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो ये तीन फल आ गया, इसलिए इसका ग्रोथ थोड़ा कम हो गया। आप देख सकते हो इसका ग्रोथ अच्छा, लेकिन एक प्लांट देख सकते हो अभी इसका कटिंग कर रहा हो, देखिए इसका, देखिए इसका एक भी फल नहीं है, लेकिन इसका ग्रोथ अच्छा खासा है। अभी इसका पूरा हेल्दी है, इसका फल के वजह से आपको दो प्लांट आपको दिखा रहा हूँ। इसका फ्लावर के लिए आपको इसका ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया, इसका फ्लावर नहीं है इसके, इसलिए अच्छा खासा ग्रोथ है इसका। आपको अच्छा पौधा देने के लिए आपको सब समय आपको फ्लावर आपको तोड़ देता हूँ। ये देख सकते हो इसका फ्लावर क्वालिटी देख सकते हो कितना अच्छा है। इसका हाइट आपको लगभग 2 फीट हो जाएगा, देख सकते हो। मेरे पास ऐसे जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा। मेरे पास किसी को इसका प्लांट चाहिए तो मेरा नर्सरी का कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आर के नर्सरी ऑल इंडिया पे प्लांट सप्लाई करता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।